आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नगरीय निकाय में चुनाव लड़कर किस्मत आजमाने वाले 8 नेता अगले 5 साल तक अध्यक्ष या पार्षद पद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन पर पिछले चुनाव के खर्च का ब्यौरा नहीं देने के कारण चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव सुनीता त्रिपाठी ने अधिसूचना जारी कर 2014 और 15 के चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने वालों को प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें नगर परिषद भांडेर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर जीएल वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, हाजी शबनम गुरु, नगर परिषद महगांव की सीमा सुरेंद्र चौधरी, नगर परिषद लांजी के युजेश शोभा राम, राम टेक्कर, नगर परिषद फूफ के राजेश दुबे, श्री कृष्ण शर्मा और सुभाष चंद्र शर्मा शामिल हैं। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इन सभी अभ्यर्थियों को खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया था। स्मरण पत्र जारी करने के साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी बुलाया गया था। इसमें उन्होंने ब्यौलेखा प्रस्तुत नहीं करने को लेकर जो जवाब दिया वो संतोषप्रद नहीं था, इसीलिए आयोग ने उन्हें 5 साल तक अध्यक्ष या पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।